प्रत्येक नागरिक उम्मीद करता है कि न्यायपालिका निष्पक्ष, तर्कसंगत और न्याय संगत निर्णय देगी और भारतवर्ष के लोग भारत की न्यायपालिका पर पूरा भरोसा करते हैं। लेकिन 20 मार्च 2018 को जो माननीय सुप्रीम कोर्ट के दो न्यायाधीश माननीय श्री आदर्श कुमार गोयल जी और माननीय उदय उमेश ललित जी ने जो निर्णय SC ST एक्ट को लेकर के दिया है, यह मेरी समझ से एक रिव्यू का मामला बनता है। इसमें विचार करने पुनर्विचार करने की ज़रूरत है, क्योंकि आज इस एक्ट को लेकर के पूरे देश में SC ST के लोगों में आक्रोश पैदा हुआ है। यह एक्ट 1989 में भारत सरकार ने जिस उद्देश्य को लेकर के बनाया था, स्पेशल एक्ट बनाया था कि जो SC ST के ऊपर अत्याचार होते हैं उनको सही तरीके से FIR दर्ज नहीं होती हैं, उनमें कार्रवाई नहीं होती है, इसलिए स्पेशल कोर्ट्स के प्रोविज़न करे गए और स्पेशल एक्ट बनाया गया। लेकिन इस निर्णय से जो एक क्रिमिनल जुरिस्प्रूडेंस है, क्रिमिनल लॉ है कि अगर कोई भी क्राइम होता है तो सबसे पहले FIR होगी, इन्वेस्टिगेशन होगा, उसके बाद अगर वो तथ्य क्राइम पाया जाता है उसमें कुछ, तो प्रोसिक्यूशन स्टार्ट होता, प्रोसीडिंग्स स्टार्ट होती हैं और फिर उसमें सजा होती है उन तथ्यों के आधार पर, एविडेंसेस के आधार पर। लेकिन यहाँ पर माननीय सुप्रीम कोर्ट ने ये कहा कि पहले इन्वेस्टिगेशन होगा और इन्वेस्टिगेशन के लिए भी अगर सर्विस का मैटर है तो उसका जो हायर अधिकारी है उसकी परमिशन चाहिए होगी। अगर जनरल बात है, सामान्य व्यक्ति की बात है तो यह पुलिस अधिकारी के से परमिशन चाहिए होगी। तो यह एक जो भारत का जो क्रिमिनल लॉ है उसके ही विपरीत ये निर्णय ऐसा प्रतीत होता है कि जो स्पेशल एक्ट की जो मेन विचारधारा थी, जिस उद्देश्य को लेकर के ये एक्ट बनाया गया था, वह उद्देश्य ही बिल्कुल छिन्न भिन्न होता नज़र आ रहा है। और आज का जो देखें सबसे ज़्यादा क्राइम SC ST के ऊपर हो रहे हैं और जो रिकॉर्डेड हैं, क्योंकि बहुत सारे केसेस रिकॉर्डेड ही नहीं होते हैं, रिपोर्ट नहीं होते हैं, जो सरकार के पास डाटा इकट्ठा नहीं होता है। जो अभी उपलब्ध डाटा है अगर उसको देखा जाए, अभी अक्टूबर 2017 में नेशनल क्राइम रिकॉर्ड्स ब्यूरो ने अपनी रिपोर्ट जारी करी है, उस रिपोर्ट के आधार पर अगर देखा जाए तो 2014, 2015, 2016 में जहां पर भाजपा शासित राज्य हैं वहां पर सबसे ज़्यादा क्राइम बढ़ रहा है, दलितों के ऊपर, शेड्यूल कास्ट के ऊपर, शेड्यूल टाइप्स के ऊपर। यह वो डाटा है जो इसमें, उस रिपोर्ट का डाटा है। अभी इसमें मैं दिखाने जा रहा हूँ जो वकील साहब के पास डाटा है, मैं यूपी, बिहार, राजस्थान, मध्य प्रदेश, कर्नाटका और महाराष्ट्र, फिर मैं आप नीचे आता हूँ, फिर उसी में राजस्थान का भी है और ये MP का भी है और छत्तीसगढ़ का है और झारखंड का है, और सारे डाटा हैं जब जहाँ जब BJP सरकार है वहाँ उनके होते हुए ये जो डाटा इतने उभर कर आए हैं, उन पर इतना एट्रोसिटी हो रही है और उन पर इस तरीके से अत्याचार। वकील साहब, आप सुप्रीम कोर्ट, आपने बताया आप सुप्रीम कोर्ट के लॉयर हैं, सर आपकी भी एक भूमिका बनती है जब बाबा साहब ने कहा था कि जिस समाज के अंदर के 20 डॉक्टर, 20 इंजीनियर और 20 वकील हो जाएंगे तो इस समाज को कोई भी बरगला नहीं सकता, उनको धोखा नहीं दे सकता है। लेकिन आज की तारीख के अंदर तो लाखों लाखों वकील हैं, लाखों लाखों इंजीनियर हैं, लाखों लाखों डॉक्टर हैं, फिर भी उसके बाद में संविधान की धाराओं को चेंज किया जा रहा है। ये हमारे लिए बड़े दुर्भाग्य की बात है कि हमारा जितना पढ़ा लिखा समाज आगे बढ़ा है उतने ही हम पीछे आज जा रहे हैं। बाबा साहब ने अपने समय में अकेले ऐसे पढ़े लिखे व्यक्ति थे जिन्होंने पूरे समाज के लिए लड़ाई लड़ी और भारतीय संविधान की रचना करके पूरे भारत के नागरिकों का एक ऐसा दस्तावेज दिया जिससे देश का शासन प्रशासन चलता है। लेकिन आज हमारे बहुत सारे डॉक्टर्स, इंजीनियर्स,
अच्छे अच्छे पदों पर आईएएस अधिकारी बैठे हुए हैं, वकील भी हैं। न्याय सारी न्यायपालिकाओं में हमारे वकील एससी एसटी के लोग काम करते हैं, अधिवक्ता हैं। लेकिन जहाँ तक हमारे अधिकारों की कॉन्स्टिट्यूशनल राइट्स की बात है, जहाँ पर इस तरह की पैरवी करने की बात है, पैरवी करने के लिए न्यायपालिका के अंदर जाने के लिए कोई ना कोई पार्टी होता है। अभी तक जितनी भी मुकदमे लड़े जाते हैं उसमें या तो कोई एनजीओ आता है या कोई एग्रीड पार्टी आता है। और इस देश के अंदर अभी तक कुछ शेड्यूल कास्ट शेड्यूल ट्राइब्स के एनजीओ काम कर रहे हैं, लेकिन उन्होंने इस तरह की बात को सुप्रीम कोर्ट के सामने कोई इस तरह की पीआईएल नहीं फाइल करी है। तो जब कोई इस तरह के एनजीओ सामने आए, कुछ लोग उभर के आए, तो निश्चित तौर पर हम उनकी पैरवी करेंगे और इसमें जो कॉन्स्टिट्यूशनल राइट्स हैं उनको लड़ेंगे। सर, ये जब रिव्यू डाला जाता है, रिव्यू को लागू किया जाता है, तो सुप्रीम कोर्ट उससे कितने दिन तक सुनवाई करती है या नहीं करती है? रिव्यू के अंदर वही न्यायाधीश रिव्यू करते हैं जो निर्णय देते हैं। जिन्होंने निर्णय दिया है वही रिव्यू करते हैं, वही रिव्यू करते हैं। और रिव्यू सिर्फ उस आधार पर होता है कि कानून के अंदर क्या त्रुटि रह गई जो इसके अंदर सुधार की ज़रूरत है। रिव्यू के अंदर सिर्फ एक ही ग्राउंड होता है रिव्यू के लिए कि अगर कोई कानूनी रूप से कोई त्रुटि रह गई है, तथ्यों के आधार पर नहीं, सिर्फ कानूनी रूप से अगर कोई त्रुटि रह गई है निर्णय में, तो वह रिव्यू होता है मामला और वही न्यायाधीश रिव्यू करते हैं। लेकिन अभी तक का जो सुप्रीम कोर्ट का रिव्यू का रिकॉर्ड अगर देखा जाए तो रिव्यू में अधिकांश रिव्यू जो हैं अलाउ नहीं हुए, खारिज हुए हैं। बहुत कम ऐसे निर्णय हैं जिनमें सुप्रीम कोर्ट ने ये देखा। ऐसा नहीं है कि सुप्रीम कोर्ट ने अपने निर्णयों का रिव्यू नहीं किया, बहुत से ऐसे निर्णय हैं जिसमें सुप्रीम कोर्ट ने देखा कि भाई हमारे से इसमें कहीं त्रुटि हुई है, कहीं चूक हुई है, और उसको सुधारा गया है। तो हमें उम्मीद है कि इसमें रिव्यू में जो कार्रवाई होगी तो सरकार उसमें अपना सही पक्ष रखेगी। एडवोकेट जनरल सोलिसिटर अटॉर्नी को भेजेंगे, उनके नुमाइंदे वहाँ पर मौजूद होते हैं कोर्ट के अंदर। वह जो एडवोकेट है उसके ऊपर निर्भर करता है कि उसकी मानसिकता कैसी है। और इस देश में अभी तक जितने अटॉर्नी जनरल या जो हायर गवर्नमेंट रिप्रेजेंटेटिव कोर्ट्स में रहे हैं वो उसी मानसिकता को लेकर के रहे, क्योंकि समाज के अंदर जो मानसिकता जहाँ से बच्चा पैदा होता है उसके दिमाग में जो बात बिठा दी जाती है, चाहे वो किसी दफ्तर में काम करे, कहीं भी काम करे, उसके साथ साथ वो चीज़ चलती है। तो यह चीज़ चाहे न्यायपालिका है, चाहे कार्यपालिका है, विधायिका है, कहीं भी प्रशासन में, सब जगह ये उनके साथ साथ चलता है। तो हमारे लोगों देश के जो बुद्धिजीवी वर्ग है, न्यायपालिका में बैठे हुए लोग हैं, उनको नहीं, उनको इस बात का चिंतन करना पड़ेगा कि भाई देखिए जो कानून है, जो भारतीय संविधान है या जो भारत के कानून हैं, उनके अनुसार ही हम इस देश के नागरिकों को सही निर्णय।